टैली प्राइम को डाउनलोड करना कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले हमको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर पे जाना है और यहां पर आपको क्या सर्च करना है, टैली सॉल्यूशन। टैली सॉल्यूशन टैली की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, ठीक है। तो आप क्रोम ब्राउजर पे जाइएगा और यहां पर टैली सॉल्यूशन सर्च कीजिएगा, ठीक है। जैसे ही सर्च करेंगे टैली सॉल्यूशन, तो यहां पर tallysolution.com ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी और यहां पर क्लिक करके आप टैली को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर टैली डाउनलोड हो जाएगी आपकी, नीचे यहां पर डाउनलोड के लिए आता है, तो आप यहां से टैली को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये दिया है ना गेट फ्री ट्रायल, तो आपको ट्रायल तो करना नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है, अब जैसे यहां पे 7 डेज ट्रायल दे रहा है, ठीक है, ट्रायल के लिए, तो हमें ट्रायल नहीं करना है, हमें क्या करना है, एजुकेशनल मोड में इसे चलाना है। तो आप चाहे तो यहां से जो भी है स्टूडेंट है, तो यहां पे स्टूडेंट दे दिया और यहां पे नेम दे दीजिएगा, फिर फोन नंबर, ईमेल आईडी, पिन कोड दे दीजिएगा और यहां से इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। जब एक्सेप्ट करा लेंगे तो ये डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहां पर जाकर के टैली सॉल्यूशन ना डाल करके जाएंगे आप टैली सॉल्यूशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही। अगर आप यहां पे लिख भी देंगे टैली प्राइम डाउनलोड, खाली ये भी लिख देंगे तो भी यहां पर वही लिंक आपको मिलेगा, ठीक है। डाउनलोड फ्री फॉर फ्री लिखा है ना, तो यहां पे जाएंगे ना तो वही चीज आएगा। अब इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे देखिए ये आ गया ना, अब यहां पर हमें डाउनलोड का सीधा लिंक दिखेगा, ये फायदा है। अगर आप ये लिख के करेंगे तो यहां डाउनलोड का लिंक दिखेगा, इस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिए इसको, ठीक है। और डाउनलोड कर लेंगे तो आपका जो सिनेरियो आएगा वो खुल करके कुछ ऐसा ही आएगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूं, देखिए जैसे क्या होगा ना कि जब आप टैली को डाउनलोड करेंगे, यहां से पहले स्केप करके बाहर आता हूं, देखिए अब यहां पर जैसे मैं ओपन करता हूं टैली को, तो यहां पर ये पूछेगा कि आपके पास क्या कोई की है। तो अगर आपने टैली को परचेज किया तो परचेज करेंगे तो 20-22 हजार का आपको टैली पड़ेगा, ठीक है, और वो परमानेंट के लिए मिल जाएगा आपको। बस आपको एक ही दिक्कत रहेगी, जब कोई चेंजेस आएंगे तो आप उसको उस सॉफ्टवेयर में आपको चेंजेस नहीं मिलेंगे, लेकिन काम आप कर सकते हैं फ्रीली, ठीक है। तो अभी देखिए यहां पर भी कह रहा है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, यानी कोई लाइसेंस पहले से है या फिर हमने नया टैली खरीदा है तो हमारे पास लाइसेंस दिया गया है, तो वो नंबर वगैरह डाल करके इसको एक्टिवेट करने की बात करी जा रही है। लेकिन चूंकि टैली में ये खासियत है कि आप पढ़ने के लिए टैली को एजुकेशनल मोड में कभी भी चला सकते हैं, ठीक है, तो यहां से कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप जितना टैली सीखना चाहें आप अपने सिस्टम पर डाउनलोड करके इसके सहारे सीख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए जब खोलेंगे तो आपके में कोई कंपनी नीचे नहीं आएगी, ये आपका बाय डिफॉल्ट पाथ है जहां पर टैली जाके सेव हुआ है, यहां पर टैली जाके सेव हुआ है। ये लोकेशन कहां है आपके कंप्यूटर में, ये लोकेशन है सी यूजर्स पब्लिक में, तो आप यहां से जाएंगे ना तो देखिए यहां पर आएंगे सी में, तो नीचे आइए दिस पीसी पर आना है हमें, तो ये देखिए ये सी है, इस पे आएंगे और फिर यूजर्स इसमें खोजना है, तो यहां देखिए यूजर्स कहीं दिया है, देखिए यूजर्स ये रहा, और उसके बाद कहां आना है, यहां पे आप देखिए सी यूजर्स पब्लिक, तो पब्लिक नाम का एक फोल्डर होगा उसमें जाना है, ठीक है। तो ये पब्लिक वाला फोल्डर है, फिर इसमें टैली ERP9 कह रहा है, प्राइम कह रहा है, तो हमें ERP9 में जाना है और यहीं पर आपका डाटा जो है सेव होता है, ठीक है, समझ में आ रही है बात, यहीं पे आपका टैली जो है सेव होता है, जो भी डाटा इसमें बनाएंगे वो सारा चीज यहीं पे सेव होगा, ठीक है ना। तो ये टैली डाउनलोड हो गई, अब हमें एक कंपनी बनानी है, तो यहां से क्रिएट कंपनी पर जाकर के एंटर कर देंगे, और जैसे ही एंटर करेंगे तो कंपनी क्रिएशन वाला फॉर्म ओपन होगा, आप इसी फॉर्म को भरेंगे। जैसे आपकी कंपनी का क्या नाम है, जैसे मान लीजिए आपने दुकान खोला, कोई शॉपिंग मॉल है या कोई शॉप दुकान है, कुछ भी है आपका, तो उस दुकान का नाम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं सुपर मॉर्निंग स्टोर, सुपर मॉर्निंग स्टोर, तो ये आपके दुकान का नाम हो गया, ठीक है। एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, यहां पे आपका लोकल एड्रेस आएगा, तो जो लोकल एड्रेस है वो यहां पे डाल दीजिए, हो गया। एंटर करिए, लोकल एड्रेस अगर बड़ा होगा तो यहां नीचे भी लिख सकते हैं, एंटर करिए, यहां यू प्रेस कीजिए और यहां पे उत्तर प्रदेश कर दीजिए, और यहां पर जब आइएगा ना तो 274001, ठीक है, ये पिन कोड हो गया हमारा, आपका जो भी होता हो पिन कोड डाल दीजिएगा, और ये नंबर ऊपर डालते हुए वेबसाइट का नेम है। इंडियन करेंसी का सिंबल यही होता है, अगर हम किसी और कंट्री से बिलोंग करेंगे तो यहां पर चेंज हो जाएगा वो, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर स्टेट वगैरह हम चेंज करेंगे या फिर कंट्री चेंज करेंगे तो सारी कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी, जैसे मान लीजिए हमने इंडोनेशिया कर दिया तो यहां पे इंडोनेशिया का जो स्टेट है वो आएगा। यहां पे देखिए अब जैसे इंडोनेशिया करेंगे तो यहां इंडियन नाम हट गए, ये सारे इंडोनेशियन नाम आने लगे, देख रहे हैं,
तो हमें क्या रखना है, इंडिया ही रखना है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश रखेंगे तो यहाँ पे हमें इंडिया करना होगा, तो यहाँ पे इंडिया कर दीजिएगा, तो ये इंडिया करेंगे तो यहाँ इंडियन नाम आएंगे अब, ठीक है। बाकी सारी चीजें ऐसे ही रखनी है, कंफ्यूजन आपको यहां पर होगी। पहले क्या लिखा है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, भारत में फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। अगर आप यूएई की बात करें या अदर कंट्रीज लाइक सऊदी अरब वगैरह हम बात करें तो शायद 1 जनवरी से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होता है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को एंड होता है। तो हम भी 1 अप्रैल से शुरू करेंगे। क्या लिखा है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, तो इंडिया में तो फाइनेंशियल ईयर, कहीं पर भी काम करिए आप, इंडिया में फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से, और खत्म कब होता है। तो यहां पर बच्चे क्या करते हैं, 31 मार्च डाल देते हैं। देखिए ध्यान से, 31/3/2000 क्या हो जाएगा, 31/3 क्या हो जाएगा, 2000 25 हो जाएगा ना। तो यहां पर जैसे ही ये करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहां पर अब एंटर करने के बाद जब एंट्री करना वो शुरू करते हैं, अब ये कंपनी हमारी बन गई। बाकी की डिटेल्स को हम अभी नहीं छू रहे हैं क्योंकि बहुत बिगिनर्स के लिए है, तो आपको एकदम नए सिरे से समझा रहा हूं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, कंट्रोल ए करना है। ये देखिए, ये कीबोर्ड में CTRL का बटन है, इसके साथ कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपका ऑटोमेटिक एक्सेप्ट इस तरीके से नहीं कराना चाहते हैं, तो मैं इसी कंपनी को अल्टर कर लेता हूं, यहां से अल्टर कर लेता हूं। अब देखिए, मान लीजिए इसको आप ऑटोमेटिक एक्सेप्ट नहीं कराना चाहते होंगे तो यहां से जाकर एंटर 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 करिएगा, और जब एंटर 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 करिएगा और जब ये टैक्सेशन वाली विंडो आएगी तो टैक्सेशन वाली विंडो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। यही थी ना, लास्ट तक आपको एंटर करना है। देखिए ये लास्ट तक, आप कंट्रोल ए तो कर नहीं रहे हैं, तो अगर कंट्रोल ए नहीं करेंगे तो लास्ट तक एंटर 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 करते चले जाना है। तो यहां पे देखिए, GST नहीं लगा रहा हूं, एंटर 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 करिए, लास्ट तक एंटर करिए, और जब तक ये एक्सेप्ट वाली विंडो ना आ जाए, तो ये एक्सेप्ट हो गया, कंपनी आपकी बन गई। लेकिन यहां पे क्या दिखा रहा है, नो वाउचर एंटर्ड। तो जब नो वाउचर एंटर्ड है, इसका मतलब कि कोई भी वाउचर एंट्री नहीं हुई है, ठीक है। तो चलिए हम वाउचर एंट्री करते हैं। सबसे पहले कंपनी में क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। तो पैसा डालेंगे कंपनी में, कंपनी में लगाए जाने वाले फंड को क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। वी बटन प्रेस करके आइए, कौन से वाउचर में जाना है, पेमेंट में नहीं जाएंगे हम, कंपनी में पैसा पेमेंट तो कर नहीं रहे हैं, हम अपना ही पैसा लगा रहे हैं कंपनी में, कंपनी में रिसीव करा रहे हैं पैसा, तो कौन सा वाउचर होगा, रिसिप्ट। शॉर्टकट की F6, आप F6 प्रेस कर सकते हैं या यहां पे क्लिक भी कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो अभी हम यहां पर देखिए क्रेडिट दिखा रहा है, तो बच्चे घबरा जाते हैं कि हमने तो क्रेडिट और डेबिट ही नहीं सीखा। तो देखिए, कभी भी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ही होता है, याद रखिएगा, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट ही होता है। समझ में आ रही है बात, कैपिटल अकाउंट जब भी होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक ना। तो यहां पे क्रेडिट ही आ रहा है ना, देखिए CR लिखा हुआ है, CR का मतलब होता है क्रेडिट, ठीक है। तो अब हमको लेजर बनाना है, लेजर बनाने के लिए यहां पर आपको क्रिएट वाला बटन नजर आ जाएगा। अगर आप टैली ERP 9 में काम करेंगे तो ये क्रिएट वाला बटन नहीं नजर आएगा, तब क्या करना पड़ेगा, अल्ट के साथ, अल्ट देखिए ये अल्ट है ना, अल्ट के साथ C प्रेस करना पड़ेगा, तो ये लेजर क्रिएशन वाली विंडो ओपन होगी। देखिए क्या लिखा है, लेजर क्रिएशन लिखा है ना, तो यहाँ पे एक खाता बनेगा, लेजर बनेगा, किसका, कैपिटल अकाउंट का, हमने तो बनाया नहीं है, कंपनी तो हमारी नई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कैपिटल अकाउंट कर दीजिएगा, ये हो गया कैपिटल, A/C करिएगा तो ये अकाउंट हो जाएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा। ग्रुप का सही सिलेक्शन बहुत जरूरी है, तो कैपिटल अकाउंट का ग्रुप क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं कोई भी ग्रुप वो चूज कर लेते हैं, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट कर दिया, ग्रुप कोई भी कर दिया, तो ये गलती हो जाएगी, ठीक है, और आपका सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कैपिटल अकाउंट ग्रुप का सही सिलेक्शन जरूरी, तो कैपिटल अकाउंट का ग्रुप होता है कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए आपको कैपिटल अकाउंट कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो कैपिटल अकाउंट की स्पेलिंग किससे शुरू होती है, सी से, तो यहाँ पे सी प्रेस कीजिए, कैपिटल अकाउंट नजर आने लगा, आप एंटर कर दीजिए, आ गया, अब एंटर करिए, एंटर करिए, बाकी एड्रेस चाहे तो भर सकते हैं, फिलहाल मैंने स्किप किया है, पिन कोड वगैरह भर सकते हैं, लेकिन हम स्किप करते हैं, सीधा आते हैं एंटर करके, इसको लास्ट तक एक्सेप्ट करा लेना है, तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे क्रेडिट पूछ रहा है कितना रुपया आपको डालना है, मैंने शुरुआती दौर में अपने बिजनेस में कितना रुपया डाल रहे हैं आप, 1,00,000 रुपए, तो यहाँ पे 1,00,000 लिख दीजिए, हो गया, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे डेबिट आ रहा है, ये पैसा आप कैश में डाल रहे हैं या बैंक से डाल रहे हैं, तो मान लीजिए हम कैश में डाल रहे हैं, तो कैश का लेजर बहुत न्यूनतम परिस्थितियों में बनता है, मिनिमम कंडीशंस में कैश का लेजर बनता है, पहले से दिया होता है। देखिए कैश का लेजर हमने बनाया है,
नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पे कैश नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पर नजर आ रहा है ना, तो आपको नेविगेशन की, ये नेविगेशन की है, इसकी मदद से यहाँ आना है और एंटर कर देना है। अब एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेना, ये आपकी पहली एंट्री थी। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि नहीं? लेकिन ये एंट्री किस डेट पर हुई है? अब इस एंट्री को जो हमने किया इसको देखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो देखने के लिए हम यहां से बाहर आएंगे इसके बटन प्रेस करके, ये आ गए गेटवे ऑफ टेलीपोर्ट। ये टैली की क्या है? मेन मेन्यू है। अब हम देखेंगे कि हम 1 अप्रैल 2024 में एंट्री किए हैं कि नहीं किए हैं, ठीक है? तो यहां पर आइए, अब कंपनी को अल्टर करना है, कंपनी को तो अल्टर करना नहीं है, हमें देखना है कि कहां गई वो एंट्री। तो यहां पर डिस्प्ले पे आइएगा, डिस्प्ले का क्या हाईलाइट है? डी हाईलाइट है, तो डी प्रेस कीजिए। और यहां देखिए डेबुक का क्या हाईलाइट है? डी हाईलाइट है, तो यहां फिर डी प्रेस कीजिए। तो देखिए यही वाली एंट्री थी ना, अब एंटर करिएगा तो दिखेगा। देखिए डेट यहां पे क्या है? 2024 है, 25 है। अब गलती कहां हुई? यहां पर आप देखिए, गलती अगर ये कर दिए एंट्री तो हो गई आपकी बड़े आराम से, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आप सोचेंगे कि हाँ बड़ा जल्दी जल्दी एंट्री हो गई, लेकिन ये ध्यान नहीं देंगे कि डेट क्या थी। लेकिन जब आप गौर से बाद में मिलाएंगे तो डेट गलत हो जाएगी। जब डेट गलत हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि आपने गलत एंट्री कर दी। अब इसको सुधारना है तो कैसे सुधारेंगे? तो अल्टर पे जाएंगे, तो यहां से पहले बाहर आएंगे, बाहर आएंगे इसके बटन प्रेस करके, और अब कहां चलना है? अल्टर पर। तो अल्टर पर जाने से क्या हमारा एंट्री सुधरेगा, इसको देखना पड़ेगा। तो यहां पर आते हैं। अब यहां पर तो ये कह रहा है कि चेंज कंपनी, एक्सपेंड ऑल, शो मोर। तो अगर शो मोर पे जाते हैं तो आपको ये सब चीजें दिखेंगी, और यहाँ पे शो इनएक्टिव भी एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे शो इनएक्टिव भी कर लेते हैं। तो इसमें कहीं भी कंपनी वंपनी कुछ दिख रहा है? कुछ तो नहीं दिख रहा है, तो फिर ये सुधरेगा कैसे? ये लेजर का हम क्या करेंगे? हमने तो डेट गलत कर दिया, अब क्या कर सकते हैं बताइए? हम एक काम कर सकते हैं, इस एंट्री को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है? डिलीट करने के लिए दो बार डी प्रेस करेंगे और यहां एंटर करेंगे, और अल्ट के साथ डी प्रेस करना है, तो ये डिलीट वाला ऑप्शन आएगा और एंटर कर देंगे। कर दिया, ये एंट्री हो गई डिलीट, ठीक है? अब हमको वही एंट्री दोबारा से कर लेनी है, तो यहां भी बटन प्रेस करके आते हैं, ठीक है? और यहां कैपिटल अकाउंट का लेजर लगाएंगे, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि यहां पे डेट जो है अभी भी क्या है, 31 मार्च 2025 है। तो डेट कैसे चेंज होगा? तो डेट चेंज करने की शॉर्टकट की होती है F2 प्रेस करिएगा तो डेट चेंज हो जाएगा। यहां पे क्या डेट डालना है? 1/4/2024। एंटर कर रहे हैं, ये क्या कह रहा है? उप्स, डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग डेट 31 मार्च 2025। ये क्या कह रहा है? बात समझ में आ रही है? ये कह रहा है ना कि आपका डेट जो है 31 मार्च 2025 ही रहेगा, इससे कम नहीं होगा, ठीक है? अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी रीजन है। क्या रीजन है? देखिए यहां से बाहर आते हैं और सबसे पहले हम कंपनी पर अपने आते हैं और कंपनी को अल्टर करते हैं। तो कंपनी को अल्टर करने के लिए F3 आ गए और यहां से अल्टर कंपनी आए, एंटर किया। यहां पर आते हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं। यहां देखिए ये क्या लिखा है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से शुरू होता है, ये तो सही है, लेकिन ये देखिए क्या कह रहा है, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि आपका काम कब से शुरू हुआ है, ठीक है? तो काम कब से शुरू हुआ है? 1 अप्रैल से ही शुरू हुआ है ना, 1 अप्रैल 2024 से, लेकिन डेट क्या पड़ी है? 31 मार्च 2025। तो यहां पर गलती हो गई, तो इतनी बड़ी मिस्टेक हो रही है। तो ये सब गलतियों को आपको करना है दूर, ये गलतियां आपको नहीं करनी है। जब भी आप एंट्री करेंगे तो ये गलतियां नहीं करेंगे। तो 1/4/2024 यहां करके एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइएगा, ठीक है? ये एक्सेप्ट जब हो जाएगा तब आप एंट्री करेंगे, तो ये 1 अप्रैल में एंट्री होगी। अभी हम रिसिप्ट वाउचर में हैं, अगर हम कैपिटल अकाउंट का लेजर लगाते हैं तो यहाँ पे तो डेट अभी 31 मार्च 2025 ही शो कर रहा है। चलिए अपडेट चेंज कर लेते हैं, F2 करते हैं, 1/4/2024 करना है ना, ये हो गया, अपडेट चेंज हो गया, देखिए 1 अप्रैल 2024 हो गया ना। तो इस तरीके से आपको करना है। अब जब करेंगे तो ये जो है एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी और सब कुछ आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी पहली एंट्री थी, इस तरीके से आपको पहली एंट्री करनी है। आई बात समझ में? डिटेल बताया है, इसको करने में आपको कम से कम 3-4 दिन लगेगा, लाइन से डेली इसी का कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करेंगे आप, ठीक है?